हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विलेज। मैं आपका मैथ टीचर तरुण पांडे आपको इस समय एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 तक के वीडियो बन चुके थे, क्वेश्चन नंबर 11 पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और 11 आपकी स्क्रीन पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर टेन इनवर्स लिखा है, टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2। आई थिंक इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 6 हो जाएगी, करेक्ट है। प्लस 1/2 साइन 30 की होती है, और साइन 30 मतलब वही साइन पाई बाई 6, और ये पाई बाई 6 हो गया इसका वैल्यू। और मल्टीप्लाई में देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर कॉस लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर टेन इनवर्स लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। और ये हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स 2 कॉस पाई बाई 3, टेन इनवर्स 2 और कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 हो गया। कॉस 60, वाओ, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, भाई जो साइन 30 होगी वही कॉस 60 की होगी, 2 2 10 हो गया, और टेन इनवर्स 1 दिस इज 45 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया 11 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है। कॉट, हाँ ये आपको बता दें, 12 में 10 इनवर्स है प्लस कॉट इनवर्स है, ये हो जाएगा आपका 90। 10 इनवर्स है प्लस कॉट इनवर्स है 90 होता है, तो कॉट 90 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, 0, क्योंकि 10 90 इन्फिनिट होता है, इन्फिनिट का उल्टा 0 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर डिस्कशन कर लेते हैं। 13 नंबर 10 1/2 साइन इनवर्स, अच्छा ये जरा ध्यान से देखिएगा, ये साइन इनवर्स 2x/1 + x², ये 2 tan inverse x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन इनवर्स 2x/1 + x², ये होता है 2 tan inverse x का फॉर्मूला, और यहाँ पर x की वैल्यू -1 से +1 के बीच होनी चाहिए, इसलिए देखो लिखा भी हुआ है मॉड ऑफ x <1 होता है, इसका मतलब x की वैल्यू -1 से +1 के बीच होनी चाहिए। और ये जो फॉर्मूला होता है 2 tan inverse x का, ये तभी फॉर्मूला वैलिड है जब x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में हो। फिर सुनिएगा, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में हो, इसलिए मैंने ये लिखा 2 tan inverse x, इन सब चीज़ों का मतलब होता है। इसी तरीके से ये फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 - y² / 1 + y², ध्यान से देखिए, cos इनवर्स 1 - y² / 1 + y², ये हो जाएगा हमारा 2 tan inverse y का फॉर्मूला। यहाँ पर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो जो है भी। अब यहाँ पर देखिए tan 1/2, ये 2 2 2 कॉमन ले लीजिए, और अंदर बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फ्रेंड्स एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 से 2 अब हमारे बीच नहीं रहा, और यहाँ पर आपको बता दें कि tan inverse x plus tan inverse y का फार्मूला होता है tan inverse x plus y upon 1 - xy, और लेकिन इस फार्मूले में भी एक खास बात है कि x y की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, जो कि ये भी बात दी हुई है। अब ये tan tan inverse x, ये हो जाएगा आपका x, ठीक है, ये आपका जवाब है क्वेश्चन नंबर 13 का। आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए थोड़ा सा मैं ऊपर जाऊँगा, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, मैं पहले 14 लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 को, फिर उसको स्क्रॉल करूँगा। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। दोस्त इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब इसको स्क्रॉल करते हैं ऊपर को, देखिए पहले बात हम इस साइन को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1, दिस इज 90, यू नो साइन इनवर्स 1 90 होता है, और ये हो गया हमारा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। एक काम करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू हो जाएगा 90 - cos inverse x। और आपको दोस्त बता दें कि 90 - cos inverse x, ये फॉर्मूला यहाँ से उठाते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आप जानते हैं 90 होता है, तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा 90 - cos inverse x। तो यहाँ पर 90 - cos inverse x की जगह लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स, तो हमारा साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स एक्स के इक्वल हो गया, और यहाँ पर कंपेयर करा दी तो एक्स इक्वल टू 1/5 आएगा। इस तरीके से मैंने देखिए यहाँ पर 11 से लेकर 14 तक क्वेश्चन, 11, 12, 13, 14, 15 5 क्वेश्चन मैंने 4.5 मिनट में करा दिए, और आपको समझ भी आ गए होंगे। लेकिन इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के, उसमें हर एक क्वेश्चन ने 4 से 5 मिनट लिया, क्योंकि वहां पर हमने पूरा एक्सप्लेन किया, जरूरत भी थी एक्सप्लेन करने की। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।